अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ के भादरा में गोगाजी फिलिंग स्टेशन पर पिस्तौल की नोक पर सेल्समैन से 11,000 रुपए की लूट हो गई है। घटना गोगामेडी थाना क्षेत्र की है। बाइक सवार युवक 500 रुपए का पेट्रोल डलवा कर फोन पे से भुगतान की बात कहकर पंप पर बने ऑफिस में पहुंचा और सेल्समैन से मारपीट कर रुपए छीन लिए। वे सेल्समैन को कमरे में बंद कर मौके से फरार हो गए। पेट्रोल पंप मालिक के परिवाद पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और सीसीटीवी कैमरे खंगाले। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ के भादरा में गोगाजी फिलिंग स्टेशन पर पिस्तौल की नोक पर सेल्समैन से 11,000 रुपए की लूट हो गई है और घटना गोगामेडी थाना क्षेत्र की है। बाइक सवार युवक 500 रुपए का पेट्रोल डलवा कर फोन पे से भुगतान की बात कहकर पंप पर बने ऑफिस में पहुंचे और सेल्समैन से मारपीट कर रुपए छीन लिए। वे सेल्समैन को कमरे में बंद कर मौके से फरार हो गए। पेट्रोल पंप मालिक की परिवार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए भादरा से हमारे सहयोगी रमेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमेश, पेट्रोल पंप पर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि लूट की घटना सामने आई है। मैं आपको बता दूं कि गोगामढ़ी एक बड़ा धार्मिक स्थल है जी, जहां गोगा जी का बड़ा मंदिर है। यहां लाखों लोग श्रद्धालु आते हैं। ये जो जिस पेट्रोल पंप पर ये वारदात हुई है, उसी पेट्रोल पंप पर शाम को 7 बजे करीबन जो मालिक थे वो 80,000 के करीबन कैश वो पहले ले जा चुके थे जी, वरना ये लूट की घटना बड़ी हो सकती थी जी। कितनी लूट हुई है और क्या आरोपियों का कुछ पता चल पाया है रमेश? 11 जो दो आरोपी थे बाइक सवार, उन लोगों ने ये कहा कि हम फोन पे से पेमेंट करेंगे, उसके बाद में ऑफिस में ले जाकर पिस्तौल लगा के 11,000 रुपए लूट दिए। उससे में मात्र 11,000 रुपए थे गले का करे। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाल रही है, सीसीटीवी में दो युवक बिल्कुल दिखाई दे रहे जी। धन्यवाद रमेश तमाम जानकारी के लिए।